आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपने पेट को एकदम फ्लैट बना सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है मसाज। देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि मसाज से क्या होता है, मसाज तो सभी कर लेते हैं, लेकिन मसाज को सही तरीके से करना और रेगुलरली करना, अगर आप ऐसा करते हैं और साथ में इसकी सही एक्सरसाइज भी करते हैं तो वाकई में आपका पेट एकदम फ्लैट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा कि हमारा जो फेस होता है, जैसे ही हमारी 25 के ऊपर एज जानी शुरू होती है तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी आने लगती है। किसी के रिंकल्स इस साइड में आने लगते हैं, किसी के कहीं पे आने लगते हैं, तब वो क्या करते हैं कि मसाज करना शुरू करते हैं। और उनको सभी यही सलाह देते हैं कि आप फेशियल करवाइए। फेशियल से होता क्या, चेहरे का मसाज होता है और आपकी स्किन टाइट होती है। जितना सही ढंग से आप अपने फेस की मसाज करते हैं उतना ही आपका चेहरा ग्लो करता है और स्किन टाइट भी होती है। आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है या आप एक्सरसाइज करते हैं तो सब आपको यही सलाह देते हैं कि आपको मसाज करनी चाहिए। मसाज से हमारी स्किन टाइट होती है और इसके साथ ही वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जिससे स्किन के अंदर ग्लोनेस भी आती है और स्किन टाइट बनती है। तो इसी तरीके से हम अपने पेट को क्यों भूल जाते हैं अगर हम पेट की भी मसाज करें। आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी लेडीज की डिलीवरी होती है उस दौरान वो मसाज करवाती है अपने पेट की। जो लेडीज रेगुलरली मसाज करवाती है डिलीवरी के जस्ट बाद तो उनकी पेट की स्किन बहुत ज़्यादा लटकती नहीं है ना लूज होती है। जो लेडीज डिलीवरी के बाद अपने आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है तो वो देखती हैं कि 5-6 महीने बाद उनका पेट जो था वो लटकना शुरू हो गया, पेट बढ़ना शुरू हो गया और कहीं का फैट चाहे बढ़ ना रहा हो लेकिन पेट का फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको अपनाना है सही डाइट, सही एक्सरसाइज और इसके साथ में अगर आप मसाज टेक्निक को भी अपना लेते हैं तो तुरंत आपको रिजल्ट सामने नजर आएंगे कुछ ही दिनों में और आपका पेट भी एकदम पहले की तरह फ्लैट हो जाएगा। तो जब भी हम मसाज करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कौन सा तेल यूज करना है। आपके एरिया में जो भी अच्छा तेल आपको मिलता है नेचुरल तेल वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नारियल तेल जिनके एरिया में ज्यादा मिलता है नारियल तेल ले लें, जिनके एरिया में सरसों का तेल होता है वो सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप सरसों के तेल में अजवाइन डाल के उसको पका सकते हैं। और जब भी आप मसाज करें तो गुनगुना तेल कर लें, हल्का सा गुनगुना अगर सर्दियां हैं। लेकिन अगर गर्मियां हैं, गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना निकलता है तो जैसे ही आप अजवाइन का तेल लगाओगे तो पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, आप मसाज अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आप सरसों का तेल ऐसा ही ले लें या फिर नारियल का तेल है उसको वैसे ही ले लें, उसमें अजवाइन ना पकाएं। तो इस तरीके से आप अपना तेल बना सकते हैं। आप ये जानते हैं कि किस तरीके से आपकी मसाज होनी चाहिए पेट की, आप गलत तरीके से ना कर बैठे तो गलत इफेक्ट हो जाएगा। सही तरीके से मसाज करेंगे तो एकदम आपका पेट जो है फ्लैट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जमीन के ऊपर लेट जाएंगे सीधे, तो पहले आप थोड़ा सा 2-4 आपको सांसें बाहर निकालनी है मुंह से और नाक से लेनी है, यानी अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना है। तो 4-5 बार हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे जैसे इस तरीके से। पूरे तरीके से आप रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने के बाद अपने हाथों पे आप अच्छे से तेल लगा ले, जैसे इस तरीके से, मतलब अपने हाथों में पूरा लगा ले तेल। अब आपको क्या करना है, जैसे आपकी जहाँ पे आपकी नाभि होती है तो नाभि के अराउंड इस तरीके से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। एक हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख लेंगे और एक हाथ की हथेली से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी नाभि के अराउंड मसाज करेंगे हथेली से। और इतना प्रेशर देना है जितना आप सहन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है, जितना आप सहन कर सके इतना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कम से कम आपको 21 बार घुमाना है। इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से कुछ लोगों का जो फैट है वो पेट के ऊपर बढ़ जाता है और कहीं चाहे ना भी बढ़े तो इस मसाज से आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा और आपका पेट के ऊपर फैट नहीं जमा होगा, यानी अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट होगा और फैट नहीं जमेगा। इस तरीके से मसाज करने के बाद आपको क्या करना है
यहाँ पे और यहाँ पे, यानी आप नाभि की चार उंगली ऊपर और चार उंगली रख के नीचे, तो यहाँ पे होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमें मसाज करना है और थोड़ा सा प्रेशर देके, जैसे आपकी यहाँ नाभि होगी तो उसे चार उंगली आप नाप के देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इस तरीके से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करें। फिर नीचे की साइड में आप नाभि से चार उंगली रख के नाप लेंगे यहाँ पे, और इसे इस तरीके से मसाज कर सकते हैं जहाँ पे ये पॉइंट है, इस तरीके से आप दोनों हाथ से मसाज भी करते रहे और दबाते भी रहें। ये भी आप 8 से 10 बार कर ले इस तरीके से। फिर आपने क्या करना है, ऐसे साइड से आप मसाज करते जाएंगे और ऊपर की तरफ नाभि की तरफ जाके और नाभि के अंदर उंगलियां डाल के ऐसे दबाएंगे, हल्का सा नाभि के अंदर दबाएंगे ऐसे। यहाँ से गए, नाभि के अंदर उंगलियां रखी और दबा दिया, कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखा, 4-5 सेकंड के लिए, फिर ऐसे वापस। इसको भी आप 4-5 बार कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे अपने और ऐसे मसाज करते हुए नीचे की तरफ, और फिर ऐसे उल्टी तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करते हुए ऊपर इस तरीके से। फिर यहाँ से ऐसे आप देख रहे हैं मेरी उंगलियाँ किस तरीके से मसाज करते हुए नीचे और फिर ऊपर इस तरीके से ऐसे। उसके बाद आप इस तरीके से मतलब पकड़ पकड़ के ऐसे भी पेट में, अपने सारे पेट में इस तरीके से ऐसे, जैसे पेट के फैट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो इस तरीके से, और फिर वही है इस तरीके से मसाज करें। नीचे वाले पार्ट की आप अलग से भी कर सकते हैं इस तरीके से ऐसे। इस तरीके से आप मसाज करें, कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर लगाएं। और ये मसाज करने के बाद आप दोबारा से, जैसे पहले तो हमने क्लॉकवाइज किया था, अब लास्ट में जब आप खत्म करने वाले हो तो एक बार अपने पूरे पेट पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें ऐसे, हाथ को पूरे पेट के ऊपर, क्योंकि पहले तो हमने क्लॉकवाइज करी थी, अब खत्म होने पे करना है ये 4-5 ऐसे घुमा के 4-5 बार, और आप आराम से रिलैक्स हो जाएं। फिर आप 4-5 लंबी सांस छोड़ेंगे और सांस लेंगे, यानी आप पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स होने के बाद आपने उठना है। तो ये आपको रेगुलरली करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ना तो खाना खाने के जस्ट बाद करें, एक घंटा बाद भी ना करें, या तो आप खाली पेट कर लें, या खाना खाए हुए आपको 3 से 4 घंटे हो चुके हों तब करें, या फिर जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ यानी 5 महीने हुए 6 महीने हुए तब भी ना करें, कम से कम 1-1.5 साल हो चुका हो आपके ऑपरेशन को, तब आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि कभी भी आपको, जैसे आप हड़बड़ाहट में या एक्सरसाइज करके आए हो, एकदम रिलैक्स हो के, जब भी आप रिलैक्स हो खाली पेट हो, तो तभी मतलब करें। और आप देखेंगे कि अगर आपने 1 महीना भी इसको अच्छे से रेगुलरली फॉलो कर लिया और एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, कोमल हो जाएगी। तो आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।